Good morning, all the students. Today, myself as Mohin sir will try to solve your chapter number 1 for standard 3. So, the question says that find the correct words in the grid. It means that आपको question को understand करना है और according to the question आपको answer guess करना है. So, let us try to solve this 10 questions. So, let's begin. A question number 1 is one person who loves his country. यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है. तो what's the actual word for that? So the actual word for that is patriot, यानी कि हम देश प्रेमी कहेंगे उसे. Then we have question number 2, a person who treats animals that are ill or injured, यानी कि ऐसा इंसान जो animals की treatment करता है, उनकी देखभाल करता है, खास करके जब वो बीमार होते हैं या तो उन्हें कोई चोट आती है. So what's the answer for that? So the actual answer is VET, vet, means veterinarian, यानी कि जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, अ फर्म दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल एंड लेंड्स देम मनी टू, यानी कि फर्म यानी कोई ऐसी कंपनी भी कह सकते हैं जो या तो आपके पैसे को एक्सेप्ट करती है, आपके डिपॉजिट्स को, या तो जो आपको अगर पैसों की जरूरत है तो वो आपको पैसे देती भी है. सो अनदर नेम फॉर दैट इज बैंक. Then we have question number 4, part of a port where goods are put onto a ship, यानी कि port की ऐसी जगह जहाँ पे goods या तो load होता है, unload होता है ship के लिए, तो उसके लिए actual word आएगा dock. जैसे हमारे पास bus station पे buses होती हैं, railway station पे rails होती हैं, इसी तरह ship के लिए port पे एक ऐसी place है जहाँ पे ये खड़ी रहती हैं और इनका पूरा procedure होता है related to the loading and unloading of goods. उसके लिए नेम आएगा डॉक. क्वेश्चन नंबर 5, अ सॉन्ग एक्टिंग एज अ सिंबल फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी अगर कोई ग्रुप में गाना गा रहा है तो इसका सिंबल क्या है, कौन से मैटर पे या पर्पस पे वो गाना गा रहा है, तो उसके लिए एक्चुअल वर्ड आएगा एंथम. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, गुड्स सेंट आउट ऑफ अ कंट्री, यानी कि अगर हम हमारी साइड से बाहर इंटरनेशनली कोई गुड्स भेजते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड है, द एक्चुअल वर्ड इज एक्सपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 7, अ बुक ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, यानी कि ऐसी किताब जिसमें हर शब्द दिया और उसका मतलब भी दिया गया है, तो बुक को हम कहेंगे डिक्शनरी. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, थिंग्स विच कैन बी ईटन, यानी कि ऐसी चीजें जो खाने लायक होती हैं, तो उसके लिए हम वर्ड देंगे एडिबल. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, गुड्स बॉट इन टू अ कंट्री, यानी कि अगर इंटरनेशनली कोई दूसरी कंट्री हमें कोई गुड्स बेचती है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, तो उसके लिए हम कहेंगे इम्पोर्ट, विच इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 10, वन हु टेक्स फोटोग्राफ्स, अगर हम फोटो स्टूडियो में जाएंगे और वहाँ पे जो पर्सन होगा अगर वो आपके फोटोज लेता है तो हम उसे क्या कहेंगे, तो उसका एक्चुअल नेम आएगा फोटोग्राफर. सो दिस वेर द ऑल द क्वेश्चंस विच वी हैव फाउंड आउट. सो होप यू कैन गेट ऑल दिस आंसर्स अकॉर्डिंगली एंड लर्न इट ऑल्सो. थैंक यू.